बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आपके पास एक थ्योरम है 10.1.3, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसमें थोड़ा लॉजिक भी है। कहता है इन अ कॉरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू कॉरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अदर थ्री देन द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। ये आपके पास तीन साइड्स आपको गिवन है कि इसमें कंग्रुएंट है। आपने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स क्या होंगी, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगी। तो आप कंग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव करने के लिए इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने रूटीन से थोड़ा डिफरेंटली मूव करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर, कि हम किस तरीके से ये दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं व्हेन एवर थ्री साइड्स आर कंग्रुएंट। ये आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है और डी ई एफ है। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, इनकी तीनों साइड्स ए बी डी ई के कंग्रुएंट है, ए बी डी ई के कंग्रुएंट है, बी सी ई एफ के कंग्रुएंट है और ए सी डी एफ के कंग्रुएंट है। अब आपने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट है। ये साइड्स आपको दी गई के कंग्रुएंट है, साइड्स इक्वल है, आपने प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। अब इस पर्पस के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंटली ऐसे मूव कर रहे हैं। सपोज इन ट्राइंगल डी ई एफ द साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन एन, यानी सबसे बड़ी साइड आपने लेनी है इस ट्राइंगल, इसकी भी ले सकते हैं, किसी एक ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है वो आपने पिक कर ली। ये सबसे बड़ी साइड आपके पास ई एफ है, हमने ये सपोज कर ली कि ई एफ जो है ना ये सबसे बड़ी साइड है। अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो देन क्या करना है, द साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एम ई एफ। अब इस पे आपने एक ट्राइंगल बनानी है, ये इस साइड पे आपने एक ट्राइंगल बनानी है लाइक दिस जी, ये ट्राइंगल आपने बना ली, ठीक है। ये ट्राइंगल क्या नाम दे दिया इसको, एम ई एफ का नाम दे दिया। तो ये आपने एक ट्राइंगल बना दी एम ई एफ के नाम के साथ। तो अब इस ट्राइंगल के ऊपर कंडीशन भी लगानी है, ऐसे नहीं बनानी, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ ई एम, ई पे एंगल बन रहा है, एंगल बी, एंगल बी इज अवर हेयर, ये एंगल बी है, ये एंगल इक्वल होना चाहिए एफ ई एम, एफ ई एम सेंटर में कौन सा है, एफ है, ई है सॉरी, तो ई वाला एंगल, ये एंगल आपके पास गिवन है कि ये एंगल बी वाले एंगल के इक्वल है, राइट हो गया। और एक और चीज आपने रखनी है, एंड एम ई इज इक्वल टू ए बी, एम ई जो है वो ए बी के इक्वल है, एम ई, ये एम ई ए बी के क्या है, इक्वल है। जो सबसे बड़ी साइड थी उसको लेकर हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अभी तक हमने ये सीखा है कि सबसे बड़ी साइड पे आपने क्या करनी है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके ऊपर कंडीशन क्या लगानी है कि उसका एक एंगल ट्राइंगल ए बी सी वाले के एक एंगल के इक्वल होना चाहिए और एक साइड ट्राइंगल ए बी सी वाली साइड के इक्वल होनी चाहिए, राइट हो गया। ये देखें एंगल बी, इस ट्राइंगल का एंगल बी और जो नई ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट की है, ये ट्राइंगल इसको मैं डॉटेड से डिस्प्ले करता हूं, इसके ऊपर डॉट्स हम बना देते हैं ताकि आपको इसको डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम ना हो। दिस ट्राइंगल इज इन अंडर कंसिडरेशन, इसको हम लेकर चल रहे। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लेकर हमने चलना है। तो इसका देखें एंगल ई पे जो बन रहा है वो एंगल बी वाले के इक्वल रख लिया और ये जो साइड ई एम है वो ए बी वाली साइड के इक्वल रख ली, ये आपने रख के तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब कुछ एंगल्स को हमने, अब इसी तरीके से एम को कहते हैं डी से ज्वाइन कर दें, एम को किससे ज्वाइन कर दें, डी से। तो एम को हमने डी से ज्वाइन करना है, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ताकि जरा ट्राइंगल्स में कंफ्यूज ना करें, बिकॉज फिर तो ट्राइंगल्स की एक पूरी यहां पे मार्केट बन जाएगी, तो उससे अवॉइड करने के लिए इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और एंगल्स को लेबल कर देते हैं इस तरीके से, वन टू थ्री, इसको वन का नाम दे दें, इसको यहां पे जो एंगल बनेगा उसको टू का नाम दे दें, इधर थ्री का नाम दे दें और इसको फोर का नाम दे दें, व्हाटएवर, जिस तरह भी आप लेबल करना चाहते हैं या बुक में जो लेबलिंग हुई भी है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बुक में जो लेबलिंग है वो इस तरह वन टू थ्री फोर, बुक वाली लेबलिंग को हम लेकर चलते हैं, या गया वन टू और ये एंगल है आपके पास थ्री फोर, ये हमने बुक वाली लेबलिंग को फॉलो कर ली। तो लेबलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, मेन चीज है कि आपने लॉजिक को लेकर चलना है जिसको वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो ये आपने क्या किया जी, ये डॉटेड वाली ट्राइंगल अब नहीं कंस्ट्रक्ट किया है, इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंडीशन क्या यूज किया कि जो ई पे एंगल बन रहा है वो बी वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए और ई एम और ए बी आपस में, यानी एक साइड और एक एंगल को हमने इक्वल रख लिया हुआ है।
तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली पहले ए बी सी वाली ट्राइंगल को प्रूव करेंगे कि वो इस डॉटेड वाली ट्राइंगल के कंकुरेंट है, फिर इस डॉटेड वाली ट्राइंगल को प्रूव करेंगे कि वो इसके कंकुरेंट है, फिर कंपेरिजन प्रॉपर्टी यूज करके इन दोनों को क्या कर देंगे, कंकुरेंट शो कर देंगे। तो आपने अब मूव इस तरह करना है, यहां से पहले इसको इसके साथ कंपेयर करके कंकुरेंट प्रूव करना है, फिर इसको इसके कंकुरेंट प्रूव करना है, जब ये इसके कंकुरेंट हो जाएगी और ये इसके कंकुरेंट हो जाएगी, फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। ये वाली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर ए बी ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो देन ए जो होगा वो इक्वल टू सी हो जाएगी, फर्स्ट इक्वल है सेकंड के और सेकंड इक्वल है थर्ड के, तो फर्स्ट जो है ना वो थर्ड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। पहले फर्स्ट को सेकंड के इक्वल प्रूव करेंगे, फिर सेकंड को थर्ड के, तो कंपेरिजन प्रॉपर्टी यूज करके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो वन को थ्री से इक्वल कर देंगे, राइट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, ए बी सी वाली ट्राइंगल लेते हैं और ये डी ई एम ई एफ वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, एम ई एफ वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसमें आपके पास सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपके पास बी सी ई एफ के इक्वल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ये आप चेक कर सकते हैं, सॉरी ये गिवन में है कि बी सी ई एफ के इक्वल है, ये गिवन से उठाया, बी सी ई एफ के इक्वल है, ये कॉमन साइड, ये देखें ये बी सी और ये ई एफ, बी सी इक्वल है ई एफ के, ई एफ जो है ना डॉटेड वाली ट्राइंगल की भी साइड है, ये कॉमन है, गिवन से पहले उठा लिया, बी सी जो सबसे बड़ी साइड आपने ली थी ना, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है, सबसे बड़ी साइड हमने ई एफ वाली ली थी, इसके ऊपर एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ की थी, ये सबसे बड़ी साइड हमने ली थी जो आपके पास ट्राइंगल थी डी ई एफ वाली, तो ये बड़ी साइड है, ये किसके इक्वल है, ये आपको पता है बी सी के इक्वल है, तो इसको बी सी के कंकुरेंट कर दिया, ये गिवन में आपके पास बी सी कंकुरेंट है ई एफ के। उसके बाद एंगल बी जो है वो एफ ई एम के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन से आया, और इसी तरह ए बी जो है ना वो ए बी एम ई के इक्वल है, ये भी कंस्ट्रक्शन से। तो दो चीजें कंस्ट्रक्शन से उठाई हैं, एक हमने गिवन से उठाई है, जो सबसे बड़ी साइड हमने ली थी वो हमने गिवन से उठा के उसको कंपेरिजन कर दिया, क्योंकि ये कॉमन है, जो हमने नई ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है वो जो प्रीवियस थी वो इन दोनों के साथ ये कॉमन है, तो इस वजह से हमने इसको गिवन में से ये चीज कॉमन वाली उठा ली और कंस्ट्रक्शन से दो चीजें उठा ली। अब देखिए, आप देखें दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ रहे हैं। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ जाए तो वो ट्राइंगल्स क्या होती है, कंगुरेंट हो जाती है, तो वो ट्राइंगल्स कंगुरेंट हो जाती है। तो हम इस जो है ना यू कैन पास्टुलेट के अकॉर्डिंगली, एस एस पास्टुलेट जो है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स है जिनमें कॉरेस्पॉन्डेंस हमने जनरेट की थी, ये क्या होगी, कंगुरेंट होगी। अगर ये ट्राइंगल कंगुरेंट होगी तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, कंगुरेंट हो जाएंगी। तो अब कैसे, सी ए मैंने कहा कि एफ एम के इक्वल है, सी ए सी ए, ये सी ए एफ एम के इक्वल है, क्यों, क्योंकि देखें एंगल बी और एंगल ई हमारे पास इक्वल थे ना, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, बी और ई एंगल इक्वल है, चेक करें जरा बी और ई एंगल इक्वल है। तो अब बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है, और ई के अपोजिट साइड कौन सी है, एम एफ है। तो ये हमने लिखा कि सी ए एफ एम या ए सी एफ एम एफ के इक्वल आ गया। ये आपने ना इससे प्रीवियस जो थ्योरम है उससे हमने यूज किया कि अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हो जाएं, अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है, व्हाट एवर इज, तो इक्वल एंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो सी ए, ये देखें सी ए कहां पे है, ये सी ए, सी ए किसके अपोजिट है, बी के, एंगल बी, एंगल बी के अपोजिट है। अब देखते हैं एंगल बी के इक्वल कौन सा है, ई पे जो एंगल बन रहा है वो है, तो ई के अपोजिट साइड कौन सी है, एफ एम। तो ये कहता है कि सी ए एफ एम के इक्वल होगा, इसी तरह सी ए जो होगा वो एफ डी के इक्वल भी होगा, सी ए एफ डी के इक्वल है, ये कहां से उठाया, गिवन से उठाया आपने, सी ए जो है ना वो एफ डी के इक्वल है। अब देखिए ये भी सी ए, ये भी सी ए, सी ए सी ए, इन दोनों को कंपेयर करें, क्लियर होगी बात के लिए, तो एफ एम जो एफ डी के इक्वल हो जाएगा। आई बात की समझ के लिए, ये कंपेयरिंग हमने यूज किया है, कंपेयरिंग यूज किया कि देखिए इसमें भी सी है, इसमें भी सी आ रहा है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी फिर क्या होगी, सेम होगी, सेम वाली छोड़ देते हैं, तो डिफरेंट वाली होती है उनको कंपेयर करके लिख लेते हैं, एफ एम जो है ना वो एफ डी के इक्वल हो जाएगी, एफ एम। अब हम बेसिकली जा रहे हैं क्या करने के लिए, देखें ये पहला केस हमारे पास हो गया कि इस ट्राइंगल को हमने कंगुरेंट प्रूव कर दिया, इसके अब यहां से कुछ इंफॉर्मेशन पिक करके हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को, ये जो डॉटेड वाली ट्राइंगल, इसको प्रूव करेंगे कि ये इसके कंगुरेंट है। अगर ये ट्राइंगल इसके कंगुरेंट हो जाती है तो अब देखिए ये वाली ट्राइंगल इसके कंगुरेंट है, ये इसके है, तो फिर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से कह सकते हैं पहली और तीसरी जो है वो भी क्या हो जाएगी, कंगुरेंट हो जाएगी। ये थोड़ी सी बात आपने याद करनी है और कुछ भी इतना खास नहीं है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये हमने कैसे लेकर आए, एफ एम और एफ डी, एफ एम और एफ डी, एफ एम और एफ डी को हम कैसे कंपेयर करके इक्वल लेकर आए, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। एफ एम ई के अपोजिट वाली साइड और इधर से बी के अपोजिट वाली साइड को लेकर हमने क्या किया, गिवन यूज किया
और करके हमने इसको एफ एम और एफ डी को इक्वेट कर दिया, एफ एम और एफ डी कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। अब आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल एफ डी एम, एफ डी एम यानी ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एफ एफ डी एम, इस ट्राइंगल की हम बात करते हैं जस्ट अभी, इसको हम उठा लेते हैं और इसको लेकर हम कुछ काम करते हैं। ये आपके पास है एंगल एफ डी एम। एफ डी एम में देखें एंगल टू जो होगा वो एंगल फोर के इक्वल होगा, एंगल टू एंगल फोर के इक्वल होगा। व्हाई? बिकॉज हम ये कह चुके हैं एफ एम जो है वो एफ डी के इक्वल है, एफ एम एफ एम एफ डी के इक्वल है। तो इससे बिल्कुल जो सेकंड थ्योरम है उसका हमने रिजल्ट यूज किया है कि अगर साइड जो मैंने कन्वर्स आपको बताया, पहले थ्योरम हमने एंगल्स को लेके प्रूव किया था, फिर मैंने साइड को लेके एंगल्स को प्रूव किया था, ये कन्वर्स है उस थ्योरम का कि अगर दो साइड्स कंगुरेंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कंगुरेंट होंगे। राइट हो गया, तो एंगल टू एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एफ एम और एफ डी को हम प्रूव कर चुके हैं इक्वल है, तो अगर साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी। इसी तरह एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल होगा, क्यों एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल होगा, ये भी सिमिलर है, एंगल वन एंगल थ्री के इक्वल इसलिए होगा कि डी ई और ई एम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी ई कहां पे लिखा हुआ है, डी ई ये लिखा हुआ है, डी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी किसके इक्वल है, ए बी एम ई के इक्वल है। यहां से इनको कंपेयर करके आप ये लिख सकते हैं, यहां पे इस रिजल्ट पे आप पहुंच सकते हैं कि एंगल वन जो होगा वो एंगल थ्री के इक्वल होगा। अब लेफ्ट एंगल में लेफ्ट एंगल ऐड कर देना है, राइट एंगल में राइट एंगल ऐड कर देना है। अब जब लेफ्ट एंगल में लेफ्ट एंगल ऐड करेंगे, वन और टू इकट्ठे हो जाएंगे, वन और टू इकट्ठे होकर ये पूरा एंगल डी वाला बना देंगे, ऐसे ही हो गया, ये एंगल ई डी एफ हो जाएगा, और इधर से थ्री और फोर मिलके ई एम एफ ये पूरा एंगल बना देंगे। थ्री और फोर को जब जोड़ेंगे तो ये एम पे जो पूरा एंगल बन रहा है कंप्लीट किया आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं डी एफ एम ई एफ, इनको ऐड करने के बाद हमने लिखा तो इन ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल डी ई एफ और एम ई एफ आपस में क्या होगी, कंगुरेंट होगी। हाउ इज दैट डन, ये आप कर सकते हैं, ये एंगल ये साइड राइट हो गया, और एक और साइड हमने यहां पे चूंकि नहीं लिखी उसको भी हम एफ डी इज इक्वल टू एफ एम, एफ डी इज इक्वल टू एफ एम। यहां पर थोड़ी सी एडिशनल वर्क वैसे जरूरत नहीं है, ये हमने कह दिया कि ट्राइंगल जो है ना डी ई एफ इक्वल हो जाएगी, कंगुरेंट हो जाएगी एम ई एफ के, यानी ये ऊपर वाली और नीचे वाली ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कंगुरेंट हो जाएंगी। क्लियर होगी बात के नहीं, तो ये एफ डी इज इक्वल टू एफ एम के इक्वल प्रूव है। तो मेजरमेंट एंगल ई डी एफ ये, बल्कि यहां पर आप लिखें कॉरेस्पॉन्डेंस, ये इक्वेलिटी नहीं लिखनी आपने, कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है। क्लियर होगी बात की नहीं, ये कॉरेस्पॉन्डेंस है, इस कॉरेस्पॉन्डेंस में आप देखते हैं कौन कौन सी चीजें मैच कर रही है। एफ डी जो है वो एफ एम के इक्वल है, यहां से पहले उठाया, फिर ये एंगल हमने उठा लिया डी ई एफ और एम ई एफ, ये एंगल इक्वल हो गए, इसी तरह डी ई एम ई के इक्वल हो गया। डी ई एम ई के इक्वल कैसे हुआ है, यहां से ए बी इसको और इसको जोड़ना है आपने, ये इसको और इसको जोड़ना है, तो देखें एम ई ए बी के इक्वल और ए बी डी ई के, तो एम ई डी ई के इक्वल हो जाएगा। तो एम ई और डी ई आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गए, दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गए, तो जब दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल्स क्या हो जाती है, कंगुरेंट हो जाती है। ये ट्राइंगल्स कंगुरेंट हो गई है, जो पहले कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी डी एफ और एम ई एफ, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल अब कंगुरेंट प्रूफ हो गई है। पहले हमने इसको और इसको कंगुरेंट प्रूफ करना है, फिर इसको इसके साथ कंगुरेंट प्रूफ करना है। ये कंगुरेंट प्रूफ कर लेने के बाद अब ट्राइंगल ए बी को कंपेयर करेंगे, तो देखें इसमें डी ई एफ इसमें भी आ रहा है, एम ई एफ सॉरी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी एम ई एफ आ रहा है इक्वेशन बी में भी, और यहां पे इक्वेशन ए है इसमें भी एम ई एफ आ रहा है। ये एम ई एफ इन दोनों में कॉमन है, तो फिर ये जो नॉट कॉमन साइड्स होंगे, नॉट इक्वल साइड्स होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इनको कंपेयर करें या ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये आपके पास थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया, राइट हो गया। तो अब इसको आपने देख लिया अच्छे तरीके से कि पहले ए बी सी वाली ट्रायंगल को हमने ई एम एफ वाली ट्रायंगल के कंगुरेंट प्रूव करना है, फिर ईएमएफ वाली ट्रायंगल को डीईएफ वाली ट्रायंगल के कंगुरेंट प्रूव करना है। जब ये दोनों कंगुरेंट हो जाएंगी तो फिर पहली को तीसरी के साथ हम क्या कर देंगे, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी लगा के कंपेयर कर देंगे।